हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आऊँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कमेंट सेटिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर काफी टाइम से कुछ ना कुछ नए नए कमेंट्स आते रहते हैं और वो कमेंट्स आपकी वेबसाइट पे बढ़ते जा रहे हैं, और आपने उसको कमेंट्स को किस तरीके से उसकी सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं कि ताकि आपकी वेबसाइट पे कमेंट ना आए, या आपके अगर वेबसाइट पे कमेंट आ रहे हैं तो उसको वो मॉडरेशन के अंदर नहीं जा रहे हैं, वो डायरेक्टली पोस्ट हो जा रहे हैं। तो उस कमेंट्स को आप किस तरीके से रोक सकते हैं अपनी वेबसाइट पे आने के लिए। बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें स्पैमिंग लिंक होते हैं, उसको कैसे रोक पाएंगे, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट, 10,000 या 15,000 या 20,000 आपके कमेंट्स हैं, उनको आप एक मिनट के अंदर या फिर थोड़ा सा टाइम के अंदर जल्द से जल्द किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारे तरीके हैं, वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं कमेंट को रोकने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, और वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं जो एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट हेल्थ से रिलेटेड, जी मैंने उसका नाम है, इस पर आप आकर के देख सकते हैं किसी भी तरीके के आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें अगर मैं कोई सा भी एक ब्लॉग ओपन करता हूँ, जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ बिगेस्ट हेल्थ इश्यू रिलेटेड इश्यू, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद इसमें आपको बहुत सारे अननेसेसरी जो आपके कमेंट हैं या अनवांटेड कमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे नीचे अगर आप जाएंगे तो कमेंट्स के अंदर। तो जैसे कि ये पेज ओपन हो चुका है, ओपन होने के बाद यहाँ हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देख सकते हैं ये आपके हार्ट से रिलेटेड आपकी एक ब्लॉग पोस्ट है। इसमें अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉग्स के जो ऐसे कमेंट्स नजर आएंगे। ये आपके कमेंट्स अभी इसलिए शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कमेंट्स इतने सारे हो चुके हैं कि यहाँ पर आपके लोड लेने में ही टाइम ले रहा है। ठीक है, मैं इसको वर्डप्रेस के अंदर दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग तरीके के कमेंट मिलेंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ URLs आपके इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो ये आपके URLs हैं जो इंक्लूडेड हैं, यानी ये स्पैमी URLs हैं। ये चाहे आपके इंडिया से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, किसी भी कंट्री से हो सकता है, तो ये स्पैमिंग भी URL है जिससे आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ेगा या आपकी वेबसाइट पे जो गूगल की जो पेनल्टी है वो भी लगने के चांसेस होते हैं। तो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। आज हम चलते हैं सबसे पहले अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे आपका आता हूँ कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से आप कमेंट्स को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारे आपको कमेंट है, कमेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जिसपे हर कमेंट के अंदर आप देख पाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे बैकलिंक्स हैं यहाँ पे कनेक्टेड हैं, एक ही में कई सारे URLs कनेक्टेड हैं, तो इन सबको आप किस तरीके से रोक पाएंगे ये देख सकते हैं। पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर आपको जो कमेंट है यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, तो आप इन कमेंट्स को किस तरीके से रोकेंगे। तो सबसे पहले डिलीट करने वाली जो वीडियो आप जाकर देखें। अब मैं बात करता हूँ अपनी सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स पे आने के बाद जब यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर आएगा आपके यहाँ पे डिस्कशन का ऑप्शन। डिस्कशन के ऑप्शन पे आने के बाद इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके डिस्कशन के कई सारे आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप सेटिंग्स को चेक कीजिए। यहाँ पे अगर हम डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दे रहा है अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक फ्रॉम द पोस्ट, यानी अगर कोई ब्लॉग लिंक से पोस्टेड है तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, दिखा सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अगर बात करें तो अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग, यानी अगर कोई और ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आते हैं तो वो अलाउ कर सकता है। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट, यहाँ पे कह रहा है नई पोस्ट अगर आप कोई वेबसाइट के ऊपर डालते हो तो उसके अंदर नए लोग जो यानी पीपल्स हैं या अलग अलग यूजर्स हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। ये नेसेसरी है कि आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कमेंट्स को ओपन रखिए क्योंकि आपके वेबसाइट या आपके ब्लॉग को कोई अगर पढ़ता है तो कमेंट्स आना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी वेबसाइट पर अगर कमेंट है तो उससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ती है, ताकि जब भी कोई नया यूज़र आता है तो देखता है कि हाँ भाई कोई पढ़ के गया हुआ है, यहाँ पे उसको कुछ अच्छा कमेंट्स दे रखा है। तो इसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं सेटिंग को, यहाँ पे आप देख पाएंगे। सबसे पहले अगर डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग है तो पोस्ट सेटिंग में यहाँ पे नोटिफाई करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक फ्रॉम द पोस्ट, यानी कोई भी अगर लिंक आता है कमेंट के साथ तो यहाँ पे हमें नोटिफाई करेगा या मेल करेगा, या फिर यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको मैं ओपन कर लेता हूँ नए पेज के अंदर, तो फिर कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे शो कर देता है। शो करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टोटल 16,000 हैं, पेंडिंग आपके 4,136 हैं,
अप्रूव हो चुके हैं 12,620, ये ऑटोमेटिकली हुए, मैंने नहीं किए हैं, ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेटिंग साइज की सेटिंग चेंज है। अब मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं अदर कमेंट सेटिंग। अगर कमेंट सेटिंग की बात करें तो कमेंट ऑथर मस्ट बी फिल आउट नेम एंड ईमेल, यानी कमेंट जब कोई भी ऑथर अप्लाई करेगा कमेंट तो यहाँ पे अपना नाम और अपनी ईमेल यहाँ पे डालेगा। यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू कमेंट, यानी अगर कोई यूजर जो है आपकी वेबसाइट पे कमेंट कर रहा है तो उसको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या ये सेटिंग देना चाहते हैं आप? अगर देना चाहते तो क्लिक कीजिए, नहीं देना चाहते तो नहीं। सिर्फ आपको नाम और वो डालना पड़ेगा, सिर्फ खत्म, नाम और ईमेल डालेंगे वो ब्लॉग पे पोस्ट कर सकता है कमेंट अपना। यहाँ पे बात करते हैं ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन द पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज। इस सेटिंग्स का मतलब है कि अगर आपका जो ब्लॉग है 14 दिन से ज़्यादा का हो चुका है तो उस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता है। सिर्फ 14 दिन के अंदर ही जितने कमेंट्स आ सकते हैं उससे उतने ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शो कमेंट कुकी ऑप्शन इन चेकबॉक्स अलाउ कमेंट ऑथर कुकीज टू सेट, यानी कुकीज के ऊपर है, कुकीज को आप ओपन कर लीजिए, कुकीज को आप ओपन कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट का जो चीज़ें हैं वो मैनेज रहे, ठीक है। इनेबल थ्रेड कमेंट 5 लेवल डीप, यानी 5 लेवल तक वो डीप तक कर सकता है, नेस्टेड कमेंट है, यानी एक के बाद एक वो 5 कमेंट कर सकता है एक के बाद एक। ब्रेक कमेंट इनटू पेजेस 50 टॉप लेवल कमेंट पर पेज एट द लास्ट पेज एंड द डिफॉल्ट कमेंट शुड बी डिस्प्लेड विद द ओल्डर कमेंट ऑन द टॉप ऑफ। तो इस सेटिंग का मतलब है कि आपकी जो टोटल जो पोस्ट है पोस्ट पर 50 कमेंट्स होने चाहिए और हर जो पोस्ट है वो बैक टू फ्रंट, यानी आपके जो लास्ट कमेंट आया है वो टॉप पे नजर आएगा, बाकी सारे पीछे होते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है ईमेल भी वेनेबल, ईमेल भी आपको आनी चाहिए, यानी आपकी वर्डप्रेस पे जो ईमेल लगी हुई है उस मेल पे आपको मेल आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एनी पोस्ट अ कमेंट, यानी आपके पोस्ट पे कोई भी कमेंट आता तो मेल आनी चाहिए। एनी कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, यानी आपकी कोई भी कमेंट मॉडरेशन के लिए है तब आपका कोई मेल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों को ही ऑफ रन देते हैं कि ये मेल हमें जरूरत नहीं है, बार बार मेल आता रहेगा, क्योंकि अब मान लीजिए 10,000 5,000 कितने भी आपको कमेंट आते हैं तो वो आपके हर कमेंट पे आपको एक मेल भेजता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिफोर ए कमेंट अपीयर। अब मेन सेटिंग आती है यहाँ पर बिफोर ए कमेंट अपीयर, यानी आपके अगर वेबसाइट के ऊपर कोई कमेंट आता है, मान लीजिए मैं इसको ओपन करता हूँ, इस ब्लॉग को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल आपके कितने आपके कमेंट यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर टोटल आपके जो कमेंट आते हैं 167 आपके कमेंट हैं जो आपको शो कर रहे हैं। तो ये 167 जो कमेंट है इनकी सेटिंग है ये। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, अगर मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ कोई भी पोस्ट, अगर मैं इस वाले पे कमेंट करता हूँ, मैं आपको कमेंट करके दिखा देता हूँ, ये जो आपका पोस्ट है इस पोस्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। पोस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे आने के बाद नीचे देखेंगे यहाँ एक कमेंट किया था मैंने, ठीक है। अगर मैं अभी भी कोई कमेंट करता हूँ तो कमेंट आपका डायरेक्टली पोस्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही लॉगिन कर रखा है तो लॉगिन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कमेंट ऑटोमेटिकली डायरेक्ट पोस्ट हो जा रहा है विदाउट एनी मॉडरेशन। तो अब ये सेटिंग, यानी आप अगर आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर आपने ये सेटिंग नहीं की है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आपके वेबसाइट पर हर कोई ब्लॉग पर पोस्ट नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे पहले कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, यानी जितने भी कमेंट आएंगे वो मैनुअली अप्रूव होंगे आपकी तरफ से। और दूसरा जो अगर बात करते हैं कमेंट ऑथर मस्ट हैव ए प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, यानी अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी यूजर ने पहले कमेंट कर रखा है और कमेंट करने के बाद आपने उसको अप्रूव कर दिया है और अगर वो नेक्स्ट कमेंट करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अप्रूव हो जाए। लेकिन आपको ये सेटिंग ओपन नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि आपकी अगर किसी ने फर्स्ट टाइम आपके अच्छा रिव्यू दिया है और सेकंड टाइम में वो अपनी वेबसाइट का लिंक आपके कमेंट्स पर पोस्ट करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? उसमें ये दिक्कत हो सकती है कि आपकी वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम तो उसने अच्छा रिव्यू दिया, लेकिन सेकंड टाइम वो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आपकी वेबसाइट पर कंटिन्यूसली जो है अपनी वेबसाइट का लिंक डाले जा रहा। एक बात आप याद रखिए, जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई कमेंट आपका पोस्ट होता है तो वो एक डू फॉलो बैक लिंक होता है, नो फॉलो बैक लिंक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर कोई डायरेक्ट लिंक कनेक्ट होता है ना तो वो डू फॉलो ही रहता है, नो फॉलो नहीं होता। नो फॉलो एट्रीब्यूट आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो कमेंट्स को लिए आप अपनी वेबसाइट पे ये कभी भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे इस सेटिंग्स को आप देख पाएंगे कि इस सेटिंग को आपको ओपन नहीं करना है। कमेंट ऑथर मस्ट बी हैव अप्रूव, सिर्फ कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव। अब बात करते हैं कमेंट मॉडरेशन, यानी कमेंट मॉडरेशन किस कंडीशन में होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखें होल्ड ए कमेंट इन द क्यू इफ इट कंटेन टू और मोर लिंक, यानी अगर कोई कमेंट करता है आपकी वेबसाइट पर उसमें दो या दो से ज़्यादा आपके जो कमेंट पे लिंक हैं अगर कनेक्टेड है तो वो मॉडरेशन के लिए आया है। लेकिन नहीं, कभी भी ऐसा मत कीजिए, कम से कम एक लिंक,
अगर आपकी वेबसाइट यानी अगर आपके कमेंट में एक बैकलिंक भी है, अगर एक यूआरएल भी कनेक्टेड है, तो उसको भी वो मॉडरेशन के लिए भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग सेटिंग आती है कि व्हेन ए कमेंट कंटेन एनी ऑफ द दीज कंटेंट नेम यूआरएल ईमेल एड्रेस और ब्राउजर इट विल बी हेल्प फॉर मॉडरेशन क्यू वन वर्ड और आईपी एड्रेस पर लाइन, यानी आपके कोई वन वर्ड या आपकी कोई आईपी एड्रेस है जो यहाँ पे कनेक्टेड है आपके कमेंट्स के अंदर, तो वो आपको मॉडरेशन में डाल दिया जाए। जैसे आप कर सकते हैं, मैं जैसे यहाँ पे आपको कई सारे लोग होते हैं, न्यूडिटी हो गया, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ब्लॉग्स के अंदर आपका आया भी हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ बेकार आपके कमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे जो न्यूडिटी सेक्स रिलेटेड होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसको क्या करेंगे, ये देख सकते हैं इरेक्टाइल, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कमेंट्स आपके जो है बेकार से होते हैं, तो उन कमेंट्स को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से पहले से ही आप कर सकते हैं कि या तो वो डायरेक्ट जो है सीधा सीधा ट्रेस में चले जाए या ट्रेस से आप मॉडरेशन के अंदर आए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, न्यूडिटी हो गया, न्यूडिटी डाल सकते हैं, न्यूडिटी हो गया, कॉमा लगा करके यहाँ पे सेक्स डाल सकते हैं, सेक्सुअलिटी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इरेक्टाइल डाल सकते हैं, जैसा अभी यहाँ पे लिखा था इरेक्टाइल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अगर कमेंट में आएंगी तो वो क्या होगा, आपके जो है कमेंट मॉडरेशन के लिए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसअलाउ कमेंट की, अब यहाँ पे आता है ये मॉडरेशन के लिए, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होंगे जैसे यही चीज़ें अगर आती हैं, मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ, अगर कोई कमेंट में ये सारी चीज़ें डालता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है यहाँ पे ट्रैस के अंदर आ जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। यानी ये सेटिंग देख लीजिए, व्हेन ए कमेंट कंटेन एनी ऑफ द दीज कीवर्ड इट कंटेन, यानी ये जो कीवर्ड है वो अगर उसके अंदर होते हैं, चाहे यूआरएल हो, नेम हो, आईपी एड्रेस, ब्राउजर एजेंट, कुछ भी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है ट्रैस के अंदर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस विल बी मैच वर्डप्रेस, ठीक है, तो इस चीज से रिलेटेड होगा तो वो चीजें डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट जो आता है आपका आता है एविटार। एविटार में आप देख सकते हैं कि आपके जो ब्लॉग में जो यूजर्स हैं जो पोस्ट कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने अपने पिक्चर्स अपलोड कर रखी है, यहाँ पे इसने अपने पिक्चर्स अपलोड कर रखी है, सभी पर्सन ने अपनी अपनी अलग अलग पिक्चर अपलोड कर रखी है और कुछ ने नहीं कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो है जितने भी कमेंट है कमेंट के ऊपर आप अपनी फोटो जो है ऐड कर पाएंगे इजी तरीके से। तो अब वापस आते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ओपन कर सकते हैं करना चाहें तो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फेसबुक कमेंट आना चाहे तो फेसबुक से भी कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकता है, यहाँ पे इनेबल फेसबुक कमेंट कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कितने करने चाहिए आपको, 10 करना है ये फेसबुक के लिए, कि अगर आपको फेसबुक से कोई करता है तो कम से कम 10 कमेंट आपको कर पाए। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल कितने पोस्ट होने चाहिए, कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको 10 कर दीजिए ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ज़्यादा लोड है वो लोड ना हो, ठीक है। टोटल ब्रेक कमेंट इनटू पेज विथ 10 कमेंट, अगर मैं बात करता हूँ इस पेज की, तो यहाँ पे टोटल 163 के समथिंग कुछ कमेंट्स थे आपके, यहाँ पे बात करूँगी ये 167, तो ये 167 जो कमेंट्स है वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक यहाँ पर शो कर रहे हैं। इससे क्या आपका पेज लोड बढ़ेगा, जैसे अभी मैंने ओपन करके दिखाया था आपको कि ये वाला जो कमेंट, ये वाली जो URL है, ये आपका सही तरीके से ओपन भी नहीं हो रहा है अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि इस पर जो कमेंट आ गए हैं 4,000-5,000 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पेज पूरी तरीके से लोड, जिससे आपके यूज़र की जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकेंगे, और यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इसको सेव चेंजेस करेंगे। सेव चेंजेस करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने ब्लॉग पे जाएंगे, ब्लॉग पे जाने के बाद आपका जो कमेंट सेक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कमेंट सेक्शन के अंदर आपका कमेंट, नेम, ईमेल और वेबसाइट्स के लिए ऑप्शन आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप गुड लिख सकते हैं, गुड लिखने के बाद यहाँ पे गुड लिख देंगे, यहाँ पे नाम और ईमेल आईडी डाल देंगे, अगर आपकी कोई मेल है ईमेल है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, पोस्ट कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद ये कमेंट आपका यहाँ पर भी पोस्ट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये कमेंट यहाँ पे दिखा दिया, और यहाँ पे ये कमेंट पोस्ट हो गया, यहाँ पे आपकी देख सकते हैं यहाँ पे उसका नाम आ चुका है, यहाँ पे जो कमेंट किया है कमेंट आ चुका है। ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या रहा है कि कमेंट जो मॉडरेशन होना चाहिए कम से कम एक बैकलिंक होना चाहिए, अगर आपको कम से कम एक बैकलिंक रखना है तभी मॉडरेशन के जाएगा, अगर कोई बैकलिंक नहीं है तो मॉडरेशन के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपको बैकलिंक नहीं रखना है, कोई भी जीरो रखना है, तो यहाँ जीरो रख सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं आप सभी को मॉडरेशन के लिए कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर सकते हैं।
तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी वेबसाइट की कोई भी सेटिंग्स को कर सकते हैं इजी तरीके से। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।